मैं प्रधान रमेश कुमार टाक प्रेसिडेंट ट्रेडर वेलफेयर एसोसिएशन जनरल बस स्टैंड जम्मू और सीनियर सोशल एक्टिविस्ट। मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट के आगे जनाब हमारे जो एलजी साहब हैं मनोज सिन्हा जी उनके आगे ये मैं एक प्रश्न रखना चाहता हूँ, हमारी आवाज़ उठाना चाहता हूँ कि ये जो हमारा बस स्टैंड है ये सवारियों के ऊपर निर्भर है, टूरिस्ट के ऊपर निर्भर है। लोग इधर से आते जाते हैं, बसों में आते हैं जाते हैं, गाड़ियों में आते हैं, तभी हमारा कारोबार चलता है। और हमें चलो खुशी हुई थोड़ी कि चलो उन्होंने लॉकडाउन में ढील दी है तो चलो हमें खुशी है, मगर जब तक हमारी ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी हमारा कारोबार कैसे चलेगा। और पिछले साल भी हमने बड़ी मुश्किलों का सामना किया और ना तो हमें कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई फ़ायदा मिला ना कोई सहूलियत मिली। हम चाहते हैं कि इधर हमारे लोगों की ओर भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि जितने भी हमारे बस स्टैंड के दुकानदार हैं हर एक आदमी ने किसी ने दो मुलाजिम रखे हैं, किसी ने तीन रखे हैं, किसी ने चार रखे हैं और उनके ऊपर वो भी हमारे ऊपर निर्भर हैं और हमने उनको सबको जो है पे है हर महीने दी है, चाहे ट्रांसपोर्ट चाहे हमने कारोबार बंद भी रखा है। और दूसरा जो है कि जो ट्रांसपोर्ट को भी इजाज़त मिलनी चाहिए, क्योंकि वो भी अपनी जगह सही बोल रहे हैं कि 50% सवारी बिठा कर उनका पेट्रोल का किराया भी नहीं पूरा होगा तो उनके जो ड्राइवर कनेक्टर हैं उनका खर्चा कैसे निकलेगा। इसलिए मैं गवर्नमेंट के आगे ये अपील करना चाहता हूँ कि ट्रांसपोर्टरों को भी मौका दिया जाए कि वो भी अपनी गाड़ियाँ चलाएँ और उनकी जो मांगें हैं वो भी पूरी की जाएँ, ताकि हम उनका भी कारोबार चले, उनके पीछे हमारा भी कारोबार चले और लोग भी खुशहाल रहें। यही मैं आपके आगे विनती करना। सेक्रेटरी ट्रेड वेलफेयर एसोसिएशन जनरल बस स्टैंड जम्मू। सर बात यह है कि दुकान लॉकडाउन तो गवर्नमेंट ने खुलवाया है, मगर खुलवाने का बस स्टैंड भी खुला है, मगर बस स्टैंड खुलने का क्या फ़ायदा है? जब तक बसें नहीं चलेंगी तो इधर काम धंधा चलेगा, अदरवाइज बसें नहीं चलेंगी तो ऐसे दुकानें खोल के इधर बैठेंगे, ना कोई आएगा ना कोई जाएगा, हम क्या करेंगे? सामान दुकान खोल के ऐसे बैठे रहेंगे, क्या करेंगे? मक्खियाँ मारनी है हमने हा? ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि कम से कम जो बसें हैं, जो इनको इनकी जो मांगे हैं, जो जैसा भी है ठीक, आप गवर्नमेंट जैसे समझती है इसको ठीक करके तो बसों को चालू करवाना चाहिए। कम से कम लोग जहाँ से बाहर से आए जाएं और लोग भी कहीं दर बदर होते हैं और जो किराया 50 रुपये का किराया है वो बस प्राइवेट गाड़ी में या दूसरी गाड़ी में 200-300 रुपया दे के वहाँ भी घर जाता है, इससे तो वो काली कमाई करने वालों का धंधा चल रहा है यहाँ पे। जो रेट गवर्नमेंट ने निकाला हुआ है उस रेट से 4-4, 10-10 गुना किराया देते हैं, सवारी को देना पड़ता है। इसलिए गवर्नमेंट से गुजारिश है कि कम से कम बसों को डिमांड, उनकी जो डिमांडें हैं थोड़ी बहुत ही चलो मान के वो भी थोड़ा सा झुकेंगे, सरकार भी थोड़ी सी झुके और इनकी डिमांडें मान के और गाड़ियां चलाएं और कम से कम और बस स्टैंड में जो दुकानदार हैं जहां बैठे हुए हैं, होटल वाले हैं, कपड़े वाले हैं, जूते वाले हैं, मोबाइल वाले हैं, कम से कम इनकी दुकानदारी भी चलती रहे, ग्राहक कस्टमर आएगा जाएगा तो तभी हमारी दुकानदारी की चलेगी। और